दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर एक बात कही गई है कि कलयुग के अंत के समय में कल्कि अवतार आएंगे इस पूरी पृथ्वी को कष्टों वे पापों से बचाने के लिए। अब कल्कि अवतार आए या और कोई ऐसी शक्ति, परंतु उनका मकसद क्या रहेगा ये एकदम स्पष्ट है। इस पूरी धरती को एविल यानी कि बुराइयों से मुक्त करवाना, और वो अपने इस मकसद में सफल भी होंगे। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग अंत का समय आ गया है या अभी बहुत बाकी है इस चीज में। दरअसल दोस्तों इस पूरी पृथ्वी पर अगर अपने ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी निशानियां मिलने लगी हैं जो इस बात को पक्का करती हैं कि कलयुग अंत यानी कि सतयुग के आने का समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे क्रॉप सर्कल से। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते क्रॉप सर्कल क्या होते हैं। दरअसल यूरोपियन कंट्री में पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, खेत यानी कि जो फील्ड होते हैं ना उनके अंदर जहां पर फसलें उगी होती हैं वहां पर अजीबोगरीब आकृतियां बन जाती हैं। अब वो आकृतियां कैसे बनती हैं इस बात का जवाब तो किसी साइंटिस्ट के पास भी आज तक नहीं है। आप अगर उस खेत में रात को जाकर देखोगे तो वहां पर कुछ नहीं होगा, परंतु सुबह जाकर जब देखोगे तो वहां पर अजीबोगरीब आकृतियां और क्रॉप सर्कल्स बने पड़े होंगे। अब ये क्रॉप सर्कल का जो एरिया वो कई कई मील लंबा और चौड़ा हो सकता है, ये छोटे मोटे नहीं होते, जो कि कुछ घंटों में बनाना तो असंभव है, परंतु चंद ही मिनटों में ये बन जाते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात कि आज तक किसी ने इन्हें बनते हुए नहीं देखा, ये सिर्फ बने बनाए दिखते हैं। और इनकी आकृतियों का आप लोग देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आकृतियां होती हैं। अब दोस्तों आपको हम लेके चलते हैं 21 दिसंबर 2012, ये एक ऐसी ऐतिहासिक डेट थी जो कि पूरे पूरे इतिहास को बदल के रख सकती थी। दरअसल दोस्तों आपको बताएं कि 21 दिसंबर 2012 ही वो दिनांक है जब माया कैलेंडर खत्म हो गया था। अब माया कैलेंडर क्या है इस बात की हम चर्चा इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, परंतु आपको बताएं कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2012 के अंदर बात आ रही थी कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये उसी माया कैलेंडर के कारण कहा जा रहा था। परंतु हुई क्यों नहीं, ऐसी क्या घटना हुई थी यह भी इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे। परंतु आपको बताएं कि 21 दिसंबर 2012 को यूरोपियन कंट्री के अंदर एक और क्रॉप सर्कल बना। बनते रहते हैं, इस क्रॉप सर्कल में खास क्या था। दरअसल इस क्रॉप सर्कल में जो आकृति उस दिन बनी थी वो वाकई में आप लोगों के होश उड़ा देगी। दरअसल इस वीडियो में हम आपको वो इमेज भी दिखाएंगे जो उस आकृति बनी थी, परंतु आपको बताएं कि ये आकृति आप लोगों को सोशल मीडिया पर आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इसे सेंसर कर रखा है। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यह तो आज तक कोई भी खुलकर नहीं बता पाया। परंतु दोस्तों आपको हम बता देते कि आप लोगों की स्क्रीन पर जो फोटो आ रही है ये वही आकृति है जो 21 दिसंबर 2012 को बनी थी। अब इस आकृति में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, एक व्यक्ति है जिसकी आंखें एकदम खड़ी है, उसके पीछे कोई माता जैसा कुछ दिख रहा है, जिसके हाथ में तलवार है, जिसका स्वरूप सनातन धर्म में वर्णित देवी देवताओं से मिलता है। यह जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये गूगल पर आप लोगों को नहीं मिलेगी, चाहे तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये फोटो एलियन की है, परंतु बहुत सारे लोग इस बात को नकार देते हैं। परंतु नासा और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिए गए एलियंस को लेकर बयान के कारण हम इस बात की संभावना को नकार नहीं सकते कि एलियंस होते हैं। आपको बताएं कि US आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ने भी अपने एक बयान में यह बात कबूल कि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा था। और इस बात पर हमारा विश्वास और ज्यादा पक्का करता है इसराइल के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर का एक बयान। आपको बताएं कि वो इसराइल के बहुत बड़े अधिकारी हैं, इसलिए उनकी बात को हम हवा में नहीं ले सकते। दरअसल उस अधिकारी ने अपने एक बयान में बताया था कि अमेरिका और इसराइल दोनों देश मिलकर बहुत समय से एक प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन दोनों देशों का एलियन से संपर्क हो चुका है और दोनों ही कंट्रियां बहुत समय से एलियंस के संपर्क में भी हैं। और इस बात की ऑफिशियल जानकारी पूरी दुनिया को पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देने वाले थे, परंतु अज्ञात कारणों के चलते इस बात को आगे डिले कर दिया गया। और दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, आप लोग चाहें तो गूगल पर जाकर इस बयान को चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है, कि ये सब एलियंस की मौजूदगी का सबूत है या कुछ और, कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।